विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव ॐ शांति 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 ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो नमः ॐ वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति ये एक शब्द नहीं है, शाब्दिक अर्थ तीन प्रकार से होते हैं। किसी शब्द के जो अर्थ होते हैं वो तीन प्रकार से है, एक है अभिधा, एक है लक्षणा और एक है व्यंजन, जिसको आप लोकल भाषा में सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना व्यंग्य, जो इनडायरेक्ट किया जाता है। जो अभिधा शक्ति है शब्द की, अभिधा जैसा शब्द कह रहा है उसी के अनुसार उसके अर्थ को लेना। जैसे किसी ने कहा कि एक गिलास में पानी लेकर आए, कहा पानी पी लीजिए, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है गिलास में पानी है, पानी को लेकर के पीना है, इसको कहते हैं अभिधा। ऐसे जो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जो वेदों के जो अर्थ हैं, अभिधा में जो अर्थ है वो तो है ही, कि वेद में एक मंत्र है उसका अर्थ है ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र का पाठ किया तो अभिधा। व्याकरण क्या करती है, व्याकरण अभिधा के अनुसार शब्दों के अर्थ को प्रकाशित कर देती है, लेकिन शब्द की शक्ति तो अन्य भी है, लक्षणा भी है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बहुत पतला है और आप उसको कहो आइए पहलवान साहब, तो अभिधा क्या कहती है, अभिधा तो शब्द शक्ति क्या कह रही है, आइए पहलवान साहब, तो इसका मतलब वो कोई तगड़ा व्यक्ति होगा, पहलवान तो तगड़ा ही होता है, लेकिन अर्थ क्या आ रहा है, व्यक्ति तो पतला है, तो वो क्या हुआ, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, व्यंग्य कर दिया, टिप्पणी कर दी मुख्य अर्थ की बाधा होने पर। मुख्य अर्थ की बाधा होने पर लक्षणा होती है, और लक्षणा की भी बाधा होने पर व्यंजना शक्ति तीसरी बार वो प्रकट होती है। वेद मंत्रों के अर्थों को केवल अभिधा में जानना मात्र पर्याप्त नहीं है, लक्षणा और व्यंजना भी वेद के मंत्रों में निहित होती है, ये बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग वेदों को जानते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, लेकिन बड़े रूढ़ ही हो जाते हैं, कहते हैं वेदों में ऐसे लिखा है ऐसे करना है। कहीं कहीं वेदों का तात्पर्य अभिधा में, कहीं लक्षणा में और कहीं व्यंजना में भी परिलक्षित होता है, और यही कारण है जब अनेकों महापुरुषों ने व्याकरण पढ़ने के पश्चात भी वेदों के मंत्रों के अर्थ किए, जबकि उन्होंने निरुक्त भी पढ़ा है और पाणिनीय व्याकरण भी पढ़ी है, पाणिनीय व्याकरण पढ़ने के बाद भी वो वेदों के मंत्रों के अर्थ करते समय समाधिस्थ होया करते थे, वेदों के मंत्रों के अर्थ करते समय वो कुटिया में जाकर के ध्यान में बैठते थे। संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, किसी एक विषय को केंद्र में रखते हुए जब साधक समाधिस्थ होते हैं, धारणा की पराकाष्ठा में होते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। धारणा देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी एक वस्तु विशेष में, किसी एक विषय विशेष में, किसी बिंदु पर विचार विशेष में, ईश्वर के किसी गुण विशेष में आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हो, अष्टाध्यायी आदि का पारायण करते हो, उस क्षेत्र में अपने उस पर्टिकुलर विषय में जब एक ही विषय का बार बार स्मरण करते हैं, उसको कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी एक देश स्थान विशेष पर विचार विशेष पर समस्त वृत्तियों को एकाग्र कर लेना, ये धारणा होती है।
और तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम, उस ज्ञान की प्रत्यय यानी ज्ञान, उस ज्ञान की एक तानता, एक जैसा एक सार रूप बना रहे, बीच बीच में वो खंडित ना हो, लगातार वो धारा बनी रहे, उसको कहते ध्यानम। और इससे अगला प्रोसेस होता है जब ध्यान की पराकाष्ठा हो जाती है, जब उस एक ज्ञान से हमारा ध्यान हटता ही नहीं है, तो फिर हम धीरे 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 उसकी गहराई में उतरते जाते हैं और फिर हम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं, फिर केवल अर्थ मात्र निर्भास, अर्थ मात्र रहता है शब्द, और उसका स्वरूप सब अलग हो जाता है, केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा का आनंद शेष बचता है। लेकिन जब हम किसी एक बिंदु पर ध्यान करके उसके अर्थ के ज्ञान की भावना से कार्य करते हैं, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। एक संप्रज्ञात समाधि है, एक असंप्रज्ञात समाधि है। तो जिस समाधि अवस्था में हमें ज्ञान होता है उसको संप्रज्ञात कहते हैं। सम अच्छे प्रकार से, प्रकृष्ट रूप से ज्ञात है जानना, बहुत अच्छे प्रकार से प्रकृष्ट रूप से किसी विषय के बारे में जानना, इसको कहा समाधि। कैसी? संप्रज्ञात समाधि। और एक समाधि की उच्चतर अवस्था है जहां इस ज्ञान का भी मोक्ष हो जाए, जहां हम सब विषयों से परे हो जाएं, विषय भी समाप्त हो जाए, क्या जानना है ये विषय भी ना रहे, अर्थ मात्र निर्भर, उसको असंप्रज्ञात का। तो जो हमारे ऋषि होते थे वो अविद्या को तो जानते ही थे। जब आज भी हम व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तो उस समय जो ऋषि थे, महर्षि थे, वो भी जानते ही थे, व्याकरण पढ़ते ही थे। वेद की व्याकरण को निरुक्त कहते हैं, निरुक्त का भी अध्ययन करते थे तो, और गुरु परंपरा से सीखते भी थे। तो इतना सब ज्ञान होने के बाद तो वेदों का अर्थ वो कर ही देते, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। फिर भी अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जब ऋषि वेद के मंत्रों के अर्थ करते थे तो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में बैठते थे, उस मंत्र को केंद्र में रखकर, उस शब्द को केंद्र में रखकर, उसकी संगति यदि ठीक ठीक नहीं रखती थी तो समाधिस्थ होते थे और ज्ञान का प्रकाश होता था। फिर आकर के शिष्यों को बताते थे कि इस मंत्र का ये अर्थ है। ठीक। इन सब बातों से हमें सीधा सीधा पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये कैसी अवस्था है, कि कहीं ना कहीं अभिधा से ऊपर बढ़कर के लक्षणा और व्यंजना की ओर भी गए हैं। वेद में अनेकों प्रसंग ऐसे हैं, अनेकों प्रसंग वेद में जो इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। और शब्द को भी लें तो शब्द का भी केवल एक स्थूल अर्थ जो है वो नहीं, शब्द शक्ति में भी सूक्ष्म स्तर पर गए हैं। सामान्य स्तर पर हमारा, और इससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर जाकर के शारीरिक, मानसिक, भौतिक स्तर पर, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन स्तरों पर भी अर्थ होते हैं। और कुछ शब्दों के अर्थ हम अपने ज्ञान के अनुरूप निर्धारण करते हैं, ये भी एक विशेष बात है। कुछ शब्दों के अर्थ हम अपने ज्ञान के अनुरूप निर्धारण करते हैं, जैसे कुछ लोग गए देवता, असुर, मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें कुछ उपदेश दो। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया द, और बस शांत हो गए, और ब्रह्मा जी भी शांत हो गए, और देवता और मनुष्य और असुर वो तीनों भी शांत हो गए। उन्हें भी कहा कि वाह जी क्या उपदेश दिया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आप ही पास हो गए। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? द। तो देवताओं ने दा का अर्थ क्या लिया? चूंकि वो देवता है, पुण्य कर्म करते हैं, तो देवताओं ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने हमें दा का अर्थ कहा कि दान, कि ब्रह्मा जी ने हमें कहा है कि आप दान दो, देवता हो, ऐश्वर्य संपन्न है, तो हमें दान का उपदेश दिया। ऐसा समझ करके वो कृतार्थ होकर के, आनंद मग्न होकर के चले गए, प्रसन्न होकर के। राक्षस क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दुष्टता करते रहते हैं, कठोरता करते रहते हैं, अनावश्यक वेद विरुद्ध आचरण करते रहते हैं,
तो जो जैसा करता है उसको ज्ञान भी वैसे ही समझ में आता है। तो दा बोला तो उनको लगा हम बहुत लोगों को सताते हैं, तो ब्रह्मा जी ने हमें कहा कि तुम दा से दया करो। तो वो भी प्रसन्न हो गए कि चलो दया करने की भावना हमें उत्पन्न करनी है। चलो तीसरे नंबर पर मनुष्य थे, वो भी प्रसन्न होकर चले गए। तो मनुष्य जीवन में क्या होता है, राग विशेष होता है। जो मनुष्य जीवन है, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसमें राग तत्व की महत्ता होती है, इसलिए दुख का कारण होता है और दुख जन्म का कारण होता है। तो क्या कहा उनकी समझ में है, दम इंद्रियों पर नियंत्रण करना, दुख नहीं होगा। क्या संतोष जिसको हो जाए उसका दुख समाप्त हो जाता है। तो मनुष्यों ने समझा कि हमें दम दमन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये कहा गया। तो मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, संकेत में भी शब्दों के अर्थ होते हैं। तो वेदों में संकेत अर्थ भी बहुत है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म संदेश दिए गए हैं। फिर भी इससे भी अलग एक बात चल रही है कि शब्द की जो शक्ति होती है वो अभिधा शक्ति और एक लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति कब प्रवृत्त होती है, जब मुख्य अर्थ की बाधा हो जाए। मुख्य अर्थ की बाधा मतलब जैसे खेलने का समय 6 बजे से 7 बजे का समय है कहीं घर परिवार में कहीं, और 7:15 बज गए हों, बच्चों को भी पता है कि 7 बजे से समय का अतिक्रमण हो गया, अब खेल बंद करना चाहिए, उनको पता है, लेकिन उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। इतने में माता जी या पिताजी गुरुजन कोई आ जाए, आकर के कहें और खेल लो, आकर के ग्राउंड में बोले और खेलो, अभी कहां, अभी तो पूरी रात बाकी है। तो वहां अभिधा शक्ति आएगी कि लक्षण आएगी। अभिधा का अर्थ है और खेलो, तो क्या वो उनकी मंशा, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि 7:15 नहीं, अभी तो खेलते जाओ, कि पूरी रात पड़ी है अभी तो खेलो। वो तो मुख्य अर्थ तो नहीं घटा ना वहां पर, मुख्य अर्थ तो ये है कि उन्होंने आकर कहा और खेलो, तो बच्चे और खुशी खुशी खेलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है, और यहां तक हो जाता है कि बिना कुछ कहे चलने लगते हैं दो चार समझदार, तो कि भाई समय ज्यादा हो गया चुपचाप चलो। तो यहां मुख्य अर्थ की बाधा हो गई, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अब समय हो गया, खेल बंद कर दो, आप विलंब कर चुके हो, ये लक्षण आ रही है। अभिधा नहीं कह रही इस बात को, परिस्थिति जन्य लक्षणा प्रवृत्त हो रही है। एक व्यक्ति का गंगा जी के किनारे घर है, कुटिया है, गंगा जी के किनारे पे कुटिया है, लेकिन कहने वाले ने क्या कहा, गंगायाम घोषा, घोषा कुटिया, कुटी गंगा के अंदर, गंगायाम गंगा में उसकी कुटिया है। अब गंगा में कुटिया कैसे होगी, गंगा तो निरंतर प्रवाहमान है, उसमें कुटिया कैसे होगी। तो अभिधा तो बाधित हो गई, अभिधा तो कहे गंगा में कुटिया, अब गंगा में कुटिया कैसे बनाएंगे व्यक्ति, गंगा के अंदर कुटिया, कोई बिल्डिंग बनाने को कहे, कोई पुल बनाने को कहे, तो बात समझ में, कुटिया छप्पर की लकड़ी की कुटिया बह जाए, तो अभिधा बाधित हो गई। तो लक्षण आएगी फिर कि गंगा में कुटिया कहा है, तो इसका मतलब गंगा में तो बन नहीं सकती है, जरूर गंगा जी के पास में किनारे पे बनी हुई होगी, ये लक्षणा हो गई। और वक्ता की मंशा क्या है, वक्ता की मंशा है कि वो ये बताना चाह रहा है कि वो व्यंजना में जाना चाह रहा है, वो लक्षणा पे भी नहीं रुकता है। किसी व्यक्ति को ये पता है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी कुटिया गंगायाम घोषा गंगा में है, तो उसको ये पता है कि कुटिया गंगा में नहीं, गंगा के किनारे है। ये बात जिस वक्ता को बता रहा है उसको भी पता है, जो वक्ता बता रहा है उसको भी पता है, जो श्रोता सुन रहा है जिसको ये बात बताई जा रही है कि गंगायाम घोष है, उसको भी पता है कि इसकी कुटिया तो किनारे पे है, दोनों को पता है, फिर भी वो यूं कह रहा है गंगायाम घोषा।
तो इसका मतलब वो लक्षणा से आगे कुछ और भी बताना चाह रहा है। फिर व्यंजना प्रवृत्त हो जाएगी, मुख्य अर्थ की बाधा हो गई, गंगा के अंदर कुटिया नहीं है, दूसरी बात, एक बात। दूसरी बात, गंगा के किनारे कुटिया है, लक्षणा प्रवृत्त होगी, उसको पता है लक्षणा, वो भी जानता है, फिर भी वो बार बार ये कह रहा है कोई बात आते गंगायाम घोषा, तो फिर व्यंजना प्रवृत्त होगी, वो कहेगी वक्ता का आशय है कि उसकी कुटिया में शीतलता, शैत्य, शैत्यम, इसकी कुटिया में ऐसी शीतलता है जैसी शीतलता गंगा जल में है, जैसी शीतलता गंगा जी में है ऐसी शीतलता इसकी कुटिया में है, इतने शांत पवित्र और शीतल है इसकी कुटिया। तो तीसरे नंबर पर आकर के व्यंजना प्रवृत्त हो गई। अब इस बात को जिसको शब्द शक्ति का पता है वो तो जान पाएगा, नहीं तो क्या अर्थ करते हैं लोग, कहा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ते हैं, जहां जहां घोड़ा जाएगा ऐसी परंपरा थी, लेकिन कौन छोड़ते थे, कौन करते थे अश्वमेध यज्ञ, जो धार्मिक सात्विक राजा होते थे, वेदानुकूल जीवन जीते थे, जिनको सब स्वीकार करते थे कि धर्मानुकूल आचरण करते हैं, आज जैसे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को पूरा विश्व स्वीकार करता है, कोई भी अच्छे कार्य हो तो उनका परामर्श लिया जाता है, उनकी बात मानी जाती है। तो ऐसे ही जो अच्छे धार्मिक राजा होते थे वो घोड़ा छोड़ते थे, जहां जहां घोड़ा जाता था वहां के राजा, चूंकि धार्मिक राजा का घोड़ा है तो वो कहते ठीक है हमें तो कोई दिक्कत नहीं, भाई आप अच्छा शासन करो, हम तो आपके सहयोग करेंगे, कोई बात नहीं, आप जैसा निर्देश करेंगे हम कार्य करेंगे, क्योंकि वो वेदानुकूल कार्य कर रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति होगी। आप भी 4 बजे उठते हो, 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 सब उठ करके अपना पठन पाठन योगाभ्यास दिनचर्या शास्त्र स्मरण करते हैं, तो चाहे तो ये उठाएं, चाहे ये उठाएं, चाहे ये उठाएं, कोई भी उठाओ सभी उठे रहते हैं उस समय, समस्या तो उसको होगी जो सोता है, जो स्वयं वेदानुकूल आचरण करते हैं उसको तो कोई समस्या ही नहीं होती किसी से। तो अश्वमेध यज्ञ से समस्या किन को होती है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, जो अहंकारी हैं, जो अपने आप अपना शासन करना चाहते हैं, जो वेदानुकूल जीवन नहीं जीना चाहते थे, तो वो समस्या उत्पन्न करते थे, तो उनके लिए फिर वो कहते थे युद्ध करो, तो कुछ डर जाते थे कि भाई तो शक्तिशाली राजा है, धार्मिक भी और शक्तिशाली भी, कायर नहीं, हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ये क्या है, अविधा क्या थी, अब अविधा में यहां पर लक्षणा प्रवृत्त हो रही, अश्वमेध, अश्वमेध अश्व को काटने वाला अर्थ नहीं है, लक्षणा लक्षणा अर्थ, अश्वमेध यज्ञ आएगा, तो यज्ञ में तो पशु बलि नहीं देते, लेकिन जिन लोगों ने इन अर्थों को नहीं पढ़ा, संस्कृत व्याकरण के अर्थों को नहीं जाना, व्यावहारिक पक्षों को नहीं जाना, वो कहेंगे अश्वमेध का अर्थ तो अश्व को काट करके यज्ञ में डालना है, अजामेध यज्ञ होता है, अजा बकरी को कहते हैं, तो वो इसका अभिधा का अर्थ लेंगे अजामेध, अजा माने बकरी, बकरी को काट के डाल दो। ये जो यज्ञों में हिंसा कहां से आ गई, ज्ञान ना होना, ठीक ठीक अर्थ को ना जानना। वेद जो यूं कहते हैं कि जीवों पर दया करो, प्राणियों की हिंसा मत करो, ईश्वर का स्वरूप ही बताया न्यायकारी, दयालु, वो भगवान ऐसा निर्देश देगा कि जीते जी पशुओं को काट करके और यज्ञ में डालो, यज्ञ कर्म जो इतना सुंदर पवित्र कर्म है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये सरासर बकवास और कोरी झूठ है, केवल और केवल हमारा ज्ञान इसका द्योतक है, अर्थ का अनर्थ कर दिया। वेद कभी ऐसे उद्घोष कर सकता है, शब्द शक्ति का पता, फिर वो कहेंगे देखो शब्द में तो ऐसा लिखा है, हाँ लिखा भी है तो, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये देखना पड़ेगा। अंति संतम ने जहाति, अंति संतम ने पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम, या देवस्य काव्यम पश्य न ममार न जीर्यति, ये काव्यात्मक रचना भी है वेद, और काव्य में तो, काव्य में तो कई प्रकार से वर्णन किए जाते हैं, केवल एक दिशा से नहीं, किसी बात को समझाया जाता है तो कई प्रकार से उदाहरण देकर के समझाया जाता है जिससे कि समझ में आ जाए। गुरुजन भी कोई बात बताते तो अलग अलग प्रकार से उदाहरण देकर के बताते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि हर व्यक्ति की बुद्धि का सामर्थ्य अलग अलग है,
किसको कौन सी बात कब समझ में आएगी और कैसे समझ में आएगी, वो परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। किसी एक परिस्थिति में सब बातें सबकी समझ में आ जाए तब तो बात ही बन जाए। फिर तो आप सीधी सी बात देखो ना, कोई एक व्यक्ति यूं बोल दे सीधे सीधे, हम सभी को प्रातःकाल 4 बजे रोज उठ जाना चाहिए। अब आप में से इतने सारे भाई बैठे हैं, आप स्वयं बताओ, और आप सुन भी रहे हैं सभी, आप स्वयं ये बात बताओ, आप में से कौन ऐसा है जो इस बात का विरोध करेगा? और ऐसे नहीं शब्दों से, नहीं दिल से, जानपूर्वक। यहां तो आप सब उठते ही हैं, मैं कह रहा हूं जोर कभी नहीं उठा 4 बजे, वो भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता कि हमें 4 बजे उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वेदों की बात है, ऋषियों की बात है, वो भी विरोध नहीं कर सकता। ये वेद में ये शक्ति होती है, शब्द शक्ति। मतलब जो व्यक्ति नहीं उठता वो भी ये नहीं कहेगा, इस बात का विरोध नहीं करेगा, भले उसके अभ्यास उसे उठने ना दे, एक अलग बात है, वो एक अलग पक्ष हो गया, अभ्यास करेगा उठेगा एक अलग बात है। तो वेद तो इतने प्रामाणिक है, समस्त ज्ञान का मूल है वेद। वेदों में कहीं भी 1% भी कहीं भी हिंसा, गलत कार्य करने का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। और जो ये बताते हैं यहां ऐसा लिखा वैसा लिखा है, तो ये चिंतनीय विषय है उनके ज्ञान के लिए, वो अभिधा लक्षणा व्यंजन शक्तियों को पहचाने। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी जब लिखवाते थे, भाष्य कर रहे थे, वेदों के भाष्य करते समय कई मंत्र ऐसे थे जब वो उनके अर्थ के विषय में बात आती थी तो वो शिष्यों को कहते थे, आप किंचित अपेक्षस्व, कुछ रुको, और फिर कुटिया में जाते थे, ध्यानस्थ होते थे, उस मंत्र के ऊपर चिंतन करते थे, और फिर कुछ कभी कभी कई कई घंटे लग जाते थे आने में, उनको शांत समाधिस्थ होकर के बैठते थे, फिर आकर के उस मंत्र का अर्थ लिखाते थे। और आप सब जानते ही हैं, इसलिए ऋषियों को क्या कहा गया, मंत्र दृष्टा, मंत्र को देखने वाले, मंत्र दृष्टा, मंत्र को ठीक ठीक जानने वाले, ये ऋषियों को कहा गया। इतनी बड़ी हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति, वो छोटे ज्ञान को लेकर के नहीं, बड़ी शाब्दिक ज्ञान भी, सूक्ष्मता से कहा गया ज्ञान, उसका विराट स्वरूप क्या होगा एक ये बात भी, और एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही जा रही है वो एक अलग पक्ष है। और इन शब्द शक्तियों में भी व्यंजना क्या है, लक्षणा क्या है, और किस प्रसंग में, पूर्वापर प्रसंग के अनुसार भी बातों का निर्णय किया जाता है। शब्द भी ठीक ठीक है, लेकिन शब्द को पढ़ने का तरीका गलत हो गया। किस शब्द के साथ किस शब्द का प्रयोग करना है वो करना नहीं आया आपको, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आगे खाई है, कुछ दूर पहले पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है वहां पर, बैरिकेडिंग कर दी, और वहां लिखा रोको, मत जाने दो, नहीं तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। शब्द तो ये कह रहे, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या पढ़ा, रोको मत, जाने दो, खाई में गिरेगा सीधा। शब्द वही है, रोको मत जाने दो, इसका मतलब बच जाएगा, जान बच जाएगी उसकी, शब्द वही है। कैसे पढ़ा, रोको मत जाने दो, चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कितना विशाल ज्ञान है वेद का, ये तो सामान्य व्यवहार की बातें हैं। शब्द शब्द शक्ति, शब्दों का समुच्चय, शब्द अर्थ के साथ बोध होना, कितने सूक्ष्मता के विषय हैं और कितने स्थूल विषय भी हैं। स्थूल का मतलब है सामान्य व्यवहारिक ज्ञान, और सूक्ष्म विषय उसके अंदर ज्ञान कितना भरा पड़ा है, और वेद जो स्वयं में एक रहस्यात्मक ज्ञान है। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोल और प्रिय बोलो, जीवन निकल जाए, व्यक्ति 100 साल का होके स्वर्गलोक को सिधार जाए, लेकिन इन दोनों शब्दों पर ठीक ठीक काम ना किया हो तो जीवन में कभी शब्द आचरण में नहीं आ सकते। सत्य बोलेगा तो लड़ाई होगी, और प्रिय बोलेगा तो झूठ बोल देगा।
सत्य बोलेंगे तो लड़ाई कर लेंगे, और प्रिय बोलेंगे तो किसी के प्रिय बोलने के चक्कर में झूठ का सहारा ले लेंगे कि कभी इनको बात बुरी ना लग जाए, थोड़ा झूठ मिला देंगे उसमें। दोनों ही बात गलत है। सही क्या है? ना केवल सत्य सही है, ना केवल प्रेम सही है। सत्यम वदा प्रियम वदा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसे। क्योंकि सत्य का स्वरूप अप्रिय है ही नहीं, वो तो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा कैसे? सत्य स्वरूप। और परमात्मा कैसे? प्रेम स्वरूप। जब स्वरूपतः कथन होता है तो ना तो सत्य है। अगर आपके सत्य में प्रेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चक्कर गड़बड़ है। माँ को देख, बच्चे को डांटती भी रहेगी और बच्चा माँ के आगे चिपटता ही रहेगा। माँ ने पिटाई की, बच्चा रोया और चुप होने भी माँ की गोद में आके लेट जाएगा। ये परिभाषा प्रेम की। लोक में तो किसी को थोड़ा सा बोल के देख लो, आप देखो कैसे खानदान में गोलियां चल जाती है। ईश्वर के गुण है ये, सत्यम वद प्रेम वद। ईश्वर संदेश दे रहा है। तो आइए वेद मंत्र में परमात्मा का जो स्वरूप है ये हम चर्चा कर रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भू प्राणों से प्यारा, प्राणों का प्राण है, भुवः दुख विनाशक है। तुमने पर्याप्त रूप से चर्चा की, चर्चा तो इतनी हो सकती है इस विषय पर कि जीवन निकल जाए मनुष्य का, दुख का नाश करना। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीनों प्रकार के दुख, मन के समस्त तापों को हरने वाला है परमात्मा। चलिए परमात्मा के जो स्वरूप है इस कथन पर अगले अंक में चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 ही। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।